एक ऑडियो को एडिट करने से 80% बेहतर होता है कि आप लोग उसे अच्छे से रिकॉर्ड कर लो, लेकिन अपने वॉइस को क्रिस्पी और ज्यादा स्मूथ करने के लिए आपको 20% एडिटिंग करनी ही पड़ती है। दूसरे सॉफ्टवेयर से काइनमास्टर में इंपोर्ट करने तक का झंझट काफी सारे यूट्यूबर्स नहीं पालना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि वो काइनमास्टर के अंदर ही सब कुछ एडिट कर ले, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि उनको अपने वॉइस को किस तरह से रिकॉर्ड और किस तरह से एडिट करना है। रिकॉर्डिंग पर तो मैं प्रॉपर वीडियो किसी और दिन बना दूंगा, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि वो 20-30% आपको अपने ऑडियो को एडिट कैसे करना है। बस ये याद रखना कि आप जब अपने ऑडियो को रिकॉर्ड करो तो वो सुपर स्मूथ होना चाहिए। बाकी आप इस वीडियो को अंत तक देखना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले आपको काइनमास्टर में आ जाना है और अपने ऑडियो को रिकॉर्ड कर लेना है। मैं 15 सेकंड का डेमो ऑडियो यहाँ पर रिकॉर्ड कर चुका हूँ। अब तुम्हें क्या करना है, इसके वॉल्यूम को इंक्रीज करने के लिए सिंपली यहाँ पर 3 डॉट पर जा करके डुप्लीकेट कर देना है। अब अगर तुम चाहो और तुम्हें अगर ये वॉल्यूम कम लगे तो तुम और भी ज्यादा इसके लेयर्स बना सकते हो, लेकिन मेरे लिए यहाँ पर इनफ है। अब यहाँ मिक्सर वाले सेक्शन में आ करके तुम यहाँ से भी कम ज्यादा अपने ऑडियो को कर सकते हो। बस ये याद रखना कि 170 से ऊपर तुम्हें नहीं जाना है। यहाँ ऑटो वॉल्यूम करोगे तो काइनमास्टर खुद से ही एडजस्ट कर देगा, बट मैं यहाँ पर इसको यूज नहीं करने वाला हूँ, तो मैं इसे सिंपली ऑफ कर देता हूँ। अगर तुम पिंच को प्लस के तरफ ले जाओगे तो तुम्हारी आवाज बच्चों की तरह हो जाएगी, वहीं अगर हल्का बहुत माइनस करोगे तो तुम्हारी आवाज गहरी हो जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। उसके बाद तुम्हें सिंपली यहाँ से बैक आना है, ईक्यू वाले सेक्शन में आना है। यहाँ तुम्हें बेस बूस्टर और बेस रिड्यूसर का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें से तुम कोई भी यूज कर सकते हो, तुम प्ले करके अपना सुन लेना। मैं बस ये बता रहा हूँ कि बेस बूस्टर और बेस रिड्यूसर काफी ज्यादा सही है। अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ वॉल्यूम एनवेलप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसमें तुम उस डेडिकेटेड पॉइंट पर अपने वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हो जो तुम बताना चाहते हो। लाइक मैं तुम्हें अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगाऊंगा, तो यहाँ पर आने के बाद सिंपली एक प्लस, और यहाँ पर एक प्लस पॉइंट मैं लगा दूंगा। आप देख सकते हो, अब इस बीच में तुम्हें क्या करना है, अपने वॉल्यूम को ज्यादा या फिर कम करना है। लाइक मैं दिखाता हूँ करके, एक सेकेंड मैंने यहाँ पर कम कर दिया, और मैं यहाँ से भी थोड़ा सा इसको कम कर दूंगा। थोड़ा सा मुझे लेफ्ट साइड में और कम कर देना चाहिए, इससे क्या होगा, म्यूटी हो जाएगा। तो आप कुछ इस तरह से इसको भी यूज कर सकते हो। अब तुम्हें यहाँ पर रिवर्ब का ऑप्शन दिख रहा है, इससे ऑडियो स्प्रेड हो जाएगा, तो सिंपली तुम्हें रिवर्ब वाले सेक्शन पे वापस से क्लिक कर देना है, और तुम्हें सबसे ज्यादा नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है। ओके, यहाँ पर तुम्हें स्टूडियो का ऑप्शन दिख रहा है, स्टूडियो पर सिंपली क्लिक कर देना है। इसको यूज करने के बाद तुम्हारे साउंड में काफी ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। अब काइनमास्टर के अंदर नॉइज रिडक्शन तो है नहीं, तो इसके लिए मैं यूज में लूंगा एक छोटी सी ट्रिक को। सिंपली मैं अपने बैकग्राउंड म्यूजिक को इम्पोर्ट कर लूंगा, तो मेरा क्रेजी पैट्रिक मैं यहाँ पर इम्पोर्ट कर देता हूँ। ओके, अब तुम्हें क्या करना है कि इसके वॉल्यूम को 15 से 20 के बीच में रख लेना है। इन केस तुम इसको ज्यादा या फिर कम भी कर सकते हो, लेकिन जनरली ये 15 से 20 के बीच में ही सही रहता है। अब मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। लाइक मेरा वीडियो यहीं तक का है, और मैं थोड़ा सा पहले इसको लंबा कर देता हूँ, जो कि म्यूजिक से ज्यादा थोड़ा सा लंबा कर देता हूँ। मैं तुम्हें कुछ डेमो दिखाने वाला हूँ। ओके, मैंने इतना लंबा कर दिया। अब तुम्हें क्या करना है, अपने बैकग्राउंड म्यूजिक पर सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ डकिंग का ऑप्शन है, इसको इनेबल कर देना है। इससे क्या होगा, जब भी तुम कुछ बोलोगे तो तुम्हारा बैकग्राउंड म्यूजिक ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। अब तुम्हें मैं चीज दिखाता हूँ जो जादू है। ओके, यहाँ पर तुम देख सकते हो इतना ही बड़ा म्यूजिक है। सिंपली तुम्हें लूप पर क्लिक करके लूप टू एंड कर देना है। लाइक मैं यहाँ से करके दिखाता हूँ। अब देखो ये कमाल, अब तुम देख रहे हो पूरा म्यूजिक तुम्हारी वीडियो के अंदर स्प्लिट हो जाएगा। तुम्हें वापस से ट्रैक यूज करने का, बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तुम्हारा काम यहाँ से हो गया है डन, लेकिन मैं यहाँ से कर देता हूँ इसको कट। ओके डन, यहाँ से हमारा काम हो गया है कम्प्लीट। अब तुम्हें मैं सेव करके सुनाता हूँ बिफोर और आफ्टर रिजल्ट। हे गाइज, इस वीडियो में मैं तुम सभी को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से तुम अपने वॉइस को एडिट कर सकते हो काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। तुम्हारी वॉइस को मैं फुल ही क्रिस्पी करना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। हे गाइस, इस वीडियो में मैं तुम सभी को सिखाने वाला हूँ कि किस तरह से तुम अपने वॉइस को एडिट कर सकते हो काइनमास्टर एप्लीकेशन के अंदर। तुम्हारी वॉइस को मैं फुल ही क्रिस्पी करना सिखाऊंगा, तो इस वीडियो को अंत तक देखना, तभी तुम्हें समझ में आएगा। तो अभी आप सभी ने सुना बिफोर और आफ्टर रिजल्ट।
आप कमेंट करके बताना कि आप इस ऑडियो को 10 में से कितने मार्क्स दोगे, और अगर इस वीडियो को लाइक करते हो तो प्लीज यार थंब वाला लाइक भी कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।